मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। इस शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म फैन ने पहले दिन 20.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस लिहाज से फैन सबको पछाड़ते हुए 2016 में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले दिन की शानदार कमाई को देखते हुए फिल्मी पंडित फिल्म से 70 से 75 करोड़ के वीकेंड की उम्मीद भी कर रहे हैं। और अगर बॉक्स ऑफिस के जानकारों की माने तो फैन के साथ किसी दूसरी फिल्म के रिलीज न होने की वजह से भी ये उम्मीद की जा रही है कि फैन अपने पहले हफ्ते में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। फैन का बजट 105 करोड़ का है, तो अगर ऐसे में ये फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है तो ये फिल्म हिट फिल्मों की श्रेणी में आ जाएगी। अपनी कमाई की इस शानदार शुरुआत को ये फिल्म कहाँ तक जारी रख पाएगी ये अभी देखना होगा। वैसे शाहरुख खान की इस फिल्म का काफी लंबे वक्त से इंतजार भी हो रहा था, क्योंकि ये फिल्म शाहरुख की दूसरी फिल्मों की तरह रोमांटिक नहीं है। शाहरुख की ये फिल्म एक सुपरस्टार और उसके जुनून के हद तक दीवाने एक फैन की कहानी है। शाहरुख खान ने इस फिल्म में स्टार और फैन दोनों का रोल अदा किया है। कई कई गानों के लिए पहचान रखने वाली शाहरुख की फिल्मों की तरह इस फिल्म में एक भी गाना नहीं है। जी हाँ, इस फिल्म में सिर्फ एक प्रमोशनल सॉन्ग है जिसे 6 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था, और वो गाना तो आपको याद ही होगा ना, जबरा फैन। जी हाँ, इस फिल्म में कुल मिलाकर सिर्फ एक ही गाना है। तो ये थी खबर फिल्म फैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।